भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वाज दो वाज दो वाज दो सरकार झुंडी जिंदाबाद 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 सरकार झुंडी जिंदाबाद 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 सरकार झुंडी जिंदाबाद 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 सरकार झुंडी जिंदाबाद सरकार झुंडी जिंदाबाद मैडम विवेक भंसराल जी जिंदाबाद जिंदाबाद मैडम जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत भोलेनाथ के आगे प्रार्थना आप जैसे आप को पता ही है कि पिछले 38 दिनों से धर्मास्ट ट्रस्ट एम्प्लाइज एसोसिएशन जो है वो प्रदर्शन या धरना या अपनी एक ही मांग को लिए हुए बैठी हुई है, वो मांग है श्राइन बोर्ड। तो इसमें कोई जो ये मांग है ये अनुचित नहीं है, उचित है, क्योंकि जो श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी है वो भी 87 से पहले हमारा ही एक हिस्सा थी। अब जो हमारे धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लाइज एसोसिएशन है उसी की मांग कर रहे हैं कि क्योंकि जो मेन इनकम का सोर्स था वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अलग हो चुका है। कहने का मतलब कि धर्मा ट्रस्ट से वो गर्दन काट के अलग हो गई है, अब जो शरीर है वो बिना गर्दन के रह गए। अब ट्रस्ट भी बोल रहे हैं कि अब जो हमारे पास पे देने के लिए जो पैसा नहीं है, लेकिन अगर वो मूल स्थान जो इनकम का था वो चला गया तो इन्होंने कैसे दे दिया उसको, अगर दे दिया तो इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। तो अब मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग उचित मांग है वो है श्राइन बोर्ड के साथ इसको जोड़ दिया जाए, जहाँ श्राइन बोर्ड को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा जो है ये धरना जो है ख़त्म हो जाएगा।